वेलकम बैक साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू डे ऑफ न्यू ब्लॉग। सो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं ड्रेस्ड अप हो चुका हूँ, मॉर्निंग स्टफ कंप्लीट कर लिया, इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम द हाउस। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं ऑफिस के लिए। कल रात की पार्टी बहुत बढ़िया थी, मज़ा आ गया, नींद भी अच्छी आ गई, लेकिन आँख दुख रही है यार थोड़ी सी मेरी, फिर भी ऑफिस से जाना पड़ेगा। इट्स अराउंड 11, लेट्स गो टू ऑफिस। घर से बाहर आ गया हूँ मैं अभी, जस्ट हम भी दे बस ऑफिस जाने के लिए वॉक करती हूँ, तो अभी मैं पहुँच गया स्टेशन के अंदर, आ गया हूँ मैं। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, जाते हैं देखते हैं कितने बजे। सो प्लेटफॉर्म पे ऊपर जाऊंगा मैं, एंड देखते हैं कि मेट्रो आई है एंड क्या सीन है, कितनी देर बाद मेट्रो आने वाली है, पहुंचते हैं ऊपर। प्लेटफॉर्म पे मैं पहुँच गया हूँ, दो मिनट में हमारी मेट्रो भी आने वाली है। तो जगह पे पहुंचता हूँ एंड फाइनली हमारी मेट्रो भी आ गई है। सो मेट्रो के अंदर जाना है मुझे। तो मैं अपनी जगह पे आके खड़ा हो चुका हूँ एंड अब मुझे मेट्रो रुकना है, रुकेगी और मैं अंदर जाऊँगा। मेट्रो के अंदर आ गया, मेट्रो के अंदर बिल्कुल भी रश नहीं है आज। एंड देखो यहाँ पे लोगों के चेहरे, एक भी आदमी ऑफिस जाना नहीं चाहता। सो मेरा जो ऑफिस का काम था वो खत्म हो गया एंड अभी जो है स्टेशन आ गया, बिकॉज मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, स्टेशन पहुँच गया हूँ, पता तक से ट्रेन लेंगे एंड देन उसके बाद मीटिंग लोकेशन पर जाएंगे। तो बोरियत और बोरिंग जो मेरा काम है ख़त्म हो गया, अब मैं जाता हूँ फटाफट से। ऑफिस से निकल के ना बड़ा अच्छा लगता है, ऑफिस में बैठे बैठे बहुत दिमाग ख़राब होता है। फाइनली मीटिंग को जाना है, निकल पाऊँगा। ट्रेन आ गई है एंड मैं निकल गया हूँ अपनी मीटिंग के लिए। फाइनली मेरी मीटिंग भी ख़त्म हो गई है, जस्ट 2 मिनट लगा मुझे मीटिंग ख़त्म करने में। कस्टमर की तरफ से भी कोई क्वेरी नहीं थी और आगे भी कुछ उनको बात करने में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करा, फटाफट जो मेरा काम था बेसिक वो कंप्लीट करा। एंड नाउ वी आर गोइंग होम, अब मैं सॉरी नॉट वी आर आई एम गोइंग होम, आप लोग तो देख ही रहे थे। तो मैं वॉक करके जल्दी से वापस पहुँचूँगा 3 मिनट में स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे। आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, रोड भी खाली यार, मस्त लग रहा है। और जल्दी घर जाने में मेरे को और ही मज़ा आता है, वैसे तो मैं रोज़ ही जल्दी जाता हूँ, लेकिन आज वो जल्दी से भी वाला जल्दी जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं, अभी पहले स्टेशन पहुँचते हैं। अभी चलते चलते मुझे भूख लगने लगी, मैंने सोचा यार कुछ खा लेते हैं। सभी जस्ट मैंने जो फ्रूट्स खाए हैं एंड नाउ फ्रूट खाने के बाद हम स्टेशन को क्लोज जाते हैं, स्टेशन जा रहा हूँ, ट्रेन पकड़ते हैं जल्दी से। ट्रेन के अंदर आ गया हूँ, अब यहाँ से ट्रेन में घर लेके जाएगी। ट्रेन से उतर गया हूँ मैं, ये जा रहे हैं बस स्टॉप पे, वो डालने के बाद बस लेंगे, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। बस से उतरने के बाद वॉक करना है, वॉक करके अभी मैं घर जा रहा हूँ। बताइए यार आप लोग क्या बता रहे हैं, जाएंगे वॉक करके पहुँचता हूँ मैं। जस्ट मैं घर पे आया हूँ वॉक करके एंड बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब अभी ऐसा मन कर रहा है थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन मैं सो नहीं सकता बिकॉज कुछ काम है जो मुझे अभी भी करना बाकी है, तो वो कर लेते हैं, 2-4 मेल करने हैं, फटाफट मेल कर लेता हूं मैं। पहले मुझे मेल भेजना था तो मैंने मेल भेज दिया है एंड अब मैं थोड़ी देर ओमेगल पर टाइम पास करने वाला हूँ, टाइम पास करने वाला। कभी कभी मेरी थोड़ी ज़बान, समझ रहे हो ना, ज़बान थोड़ा फिसल जाती है कभी कभी। सो इट्स ओके, इट इज़ मैनेजेबल। अभी जस्ट मैं शावर लेके आया हूँ,
सो फ्रेशन अप होने के बाद इट्स टाइम टू मेक फूड, जो कि हमारी घर की रोज़ की ड्यूटी है। तो मैंने सब्ज़ी ऑर्डर कर ली है, तो सब्ज़ी आ रही है, तो हम भी रोटी बनाएंगे, बिकॉज आपको पता है मैं बाहर की रोटियां नहीं खाता, बिकॉज वो मैदा, सो आई डोंट लाइक इट। सो अभी बिग बॉस वहाँ पे चालू है, हम बिग बॉस देख रहे हैं, देखो बिग बॉस चालू है। अलॉन्ग विद दैट मैं अभी रोटी बनाने वाला हूँ, तो आटा गूंद लेते हैं फटाफट से और रोटी बनाते हैं। फाइनली डिनर रेडी हो गया है एंड बर्तन मैंने धोए नहीं थे, सो एक प्लेट में सिर्फ सब्ज़ी ली है हमने एंड रोटी जो है जो हॉट पॉट होता है मैं उस पर रख के खाने वाला हूँ। दिस इज़ द डिनर फॉर टुडे, मैं आपको दिखाता हूँ। सब्ज़ी है, प्याज है एंड नींबू है, यहाँ पे मैंने रोटी बनाई हुई है, ये आज का हमारा मेन्यू है। आप लोग भी खाना खा लीजिए, मैं भी जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूँ। आफ्टर द डिनर इट्स टाइम टू स्लीप बिकॉज इट्स अराउंड 12, सो आज का व्लॉग हमको यहाँ पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे, सो प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड गुड नाइट टू एवरीवन।